नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, जो विद्यार्थी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से, किस विश्वविद्यालय से, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMU कोटा से लाइब्रेरी साइंस में दोस्तों डिग्री कर रहे थे, बैचलर डिग्री कर रहे थे, BLIS। क्या कर रहे थे? BLIS। और उनका सेशन कौन सा था? जनवरी 2020। कौन सा सत्र था उनका? जनवरी 2020। जिनके क्या है थ्योरी के जो एग्जाम थे दोस्तों, वो एग्जाम तो हो चुके थे, लेकिन उनको ये था कि प्रैक्टिकल एग्जाम हमारा होगा या नहीं होगा। तो उनके लिए दोस्तों क्या नोटिस आया, क्या सूचनाएं हैं, उसको पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब तक आपके प्रैक्टिकल कैंप आयोजित नहीं हो जाते, उससे पहले आपके प्रैक्टिकल पेपर संभव नहीं है। और प्रैक्टिकल कैंप दोस्तों आपके आयोजित होने शुरू हो गए हैं, तो ये भी सोच सकते हैं कि प्रमोट आपको नहीं किया जाएगा, यानी आपके एग्जाम तो होंगे। तो दोस्तों क्या नोटिस है, हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये जो नोटिस आया है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का, ये नोटिस केवल दोस्तों जो जयपुर रीजनल सेंटर है उन विद्यार्थियों के लिए है। किन विद्यार्थियों के लिए? जो जयपुर रीजनल सेंटर के विद्यार्थी हैं, तो बीकानेर के, जोधपुर के, भरतपुर के, कोटा के जो भी विद्यार्थी हैं दोस्तों, तो वो बार परेशान मत होना, धीरे धीरे आपका भी कब कैंप आयोजित होगा उसकी नोटिस आ जाएगा। तो ये देखिए क्या नोटिस आया है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक बीली सत्र जनवरी 2020 संपर्क शिविर आयोजित होंगे। लाइब्रेरी साइंस में जो BLIS कर रहे हैं, जिनके थ्योरी एग्जाम हो गए थे लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी थे, तो दोस्तों अब आप कमर कस सकते हो, अपनी तैयारी में जुट सकते हो, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल पेपर आपके होंगे। अगर प्रैक्टिकल कैंप आयोजित हो रहे हैं तो दोस्तों प्रैक्टिकल पेपर भी आपके होंगे। तो जयपुर रीजनल सेंटर पर दोस्तों क्या कहा गया है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय क्षेत्रीय के अंदर जयपुर पर 17 जनवरी 2020 में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान BLIS पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थियों का 10 दिवसीय, दो पारियों में होगा दोस्तों, जो संपर्क शिविर वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्या होता है आपके जो दो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं दोस्तों, BLIS 03। प्रैक्टिकल पेपर कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं BLIS 03, यानी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का होता है, और सेकंड होता है जो 4 नंबर पेपर है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल का। तो इसमें भी दो विधियां होती है दोस्तों, CC और DDC, और इसमें भी दो विधियां होती है, CCC और AACR2। इन चारों विधियों को आपको तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों, ठीक है। वहाँ प्रैक्टिकल कैंप होंगे, जो प्रैक्टिकल कैंप दोस्तों पहले 21 दिन के, 22 दिन के लगते थे, अब केवल प्रैक्टिकल कैंप आपका 10 दिन का रहेगा। 10 दिवस के अंदर आपको ये चारों विधियाँ सिखाई जाएगी, ठीक है। तो विद्यार्थियों को प्रायोगिक संपर्क शिविर में जाना है। अब कब होगा ये देखिए, दिनांक देखिए कब आयोजित होगा, ये पूरी समय सारणी है दोस्तों कि कब से शुरू हो रहा है। दिनांक 15 जुलाई से 25 जुलाई तक, कब से कब तक? 15 जुलाई से 25 जुलाई तक आपका प्रैक्टिकल कैंप आयोजित हो रहा है, सुबह 8 बजे से दोस्तों, जो कि दो पारियों में होगा। आप पहले दिन दो पारियों में होगा। स्कॉलर नंबर देखिए कब से कब तक है, 20, 30, 28 से लेकर जो 010-01 है उससे लेकर 010-443 तक, तो देख सकते हैं दोस्तों कितने स्टूडेंट हैं। और दो पारियों में होगा, अभी एक पारी का बताया गया आपको, ठीक है। तो जिनके स्कॉलर नंबर इसके बीच में आ रहा है, केवल उन्हीं को जाना है, ध्यान रखिए। स्कॉलर नंबर क्या है? 20, 30, 28 से लेकर 010-001 से लेकर 20, 30, 28, 010-443 तक, या ऐसे सोच सकते हैं 1 से 443 तक के जो विद्यार्थी है, 443 के तक उन विद्यार्थियों को जाना है वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल कैंप का दोस्तों वहाँ। और विशेष ध्यान क्या रखना है? विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, COVID-19 की पालना करते हुए छात्र मास्क और सैनिटाइजर लेना है, साथ में स्वयं की पानी की बोतल लेकर जानी है। कब जाना है दोस्तों? 15 जुलाई 2021 से आपके प्रैक्टिकल शिविर आयोजित हो रहे हैं। कब से? 15 जुलाई 2021 से। जो आपका रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर के ऊपर ही आयोजित होंगे। तो दोस्तों ये था नोटिस कि अब आपके, ये था हमारे प्रैक्टिकल पेपर कब होंगे, हमें प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे, तो बता दिया दोस्तों आपको। अब आपके जनवरी 2020 जिनका सेशन है, उनके अब प्रैक्टिकल कैंप एक रीजनल सेंटर पे जब आयोजित हो गए, तो मान सकते हो कि सभी रीजनल सेंटर पे आयोजित होंगे। तो आप अपनी तैयारी में जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिकल शिविर जब लगता है आप वहां जा सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं दोस्तों, क्लियर। तो ये था आपके नोटिस। और कब से शुरू हो रहा है? 15 जुलाई से। कब से शुरू हो रहा है? 15 जुलाई से। किन स्कॉलर नंबर से लेकर किन स्कॉलर नंबर तक जाना है ये भी इसके अंदर लिखा गया है, जो कि मैंने बता दिया। ये नोटिस दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी है VMU BLIS DLIS MLIS, जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए LIS लर्निंग एकेडमी वर्क कर रही है, आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर की तैयारी भी करवा रही है। LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, क्लियर दोस्तों। ये था जो नोटिस। तो अब आपको दोस्तों
ऐसे नहीं रहना चाहिए कि कब होंगे, जिस दिन सभी सातों रीजनल सेंटर पे आपके प्रैक्टिकल कैंप खत्म हो जाते हैं, आयोजित पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम करवा लिए जाएंगे दोस्तों। और जो जुलाई 2019 के विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ ना कुछ रहता है कि हमारे प्रैक्टिकल कैंप भी आयोजित हो गए लेकिन प्रैक्टिकल पेपर नहीं हुए। तो दोस्तों आपकी एग्जाम डेट आ चुकी थी लेकिन कोविड-19 के कारण आपका स्थगित करना पड़ा केवल 3 दिन पहले। तो अब आपका कुछ दिनों के अंदर अंदर नोटिस आ जाएगा, आपका नया टाइम टेबल आ जाएगा, क्योंकि जो नोटिस आया था उसमें कहा गया था जो आगामी तारीख होगी वो आपको बता दी जाएगी, नोटिस के द्वारा माध्यम से बता दी जाएगी। तो आप सब्र कीजिए थोड़ा, आपका भी नोटिस आ जाएगा कि आपके एग्जाम कब से शुरू होंगे दोस्तों। क्लियर, ये था आपके लिए नोटिस। तो दोस्तों LIS लर्निंग अकेडमी के साथ बने रहिए। VMU से बी लिस्ट, डी लिस्ट और एम लिस्ट जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं, कोई भी नए अपडेट के लिए LIS लर्निंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाओगे वहां पर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर, यह था दोस्तों आज के लिए आपका नोटिस। धन्यवाद दोस्तों।